पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला कॉरिडोर से जाकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के बाद शाम को पाकिस्तान से पंजाब लौट आया। चन्नी ने लौटने के बाद घोषणा की कि पंजाब सरकार दर्शन के लिए अनुमति ले चुकी संगत को कॉरिडोर तक ले जाने के लिए फ्री बस सेवाएं चलाएगी। इस सेवा को जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह गुरुद्वारे करतारपुर साहिब में अरदास करके आए हैं कि दोनों देशों की सीमाएं खुलें और व्यापार शुरू हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कॉरिडोर से जाकर दर्शन करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग की। चन्नी ने कहा कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जाकर वापिस दर्शन करके लौट आए। जिस तरह साईं मियां मीर गुरु साहब प्यार करते सन, अजय अली रजा कादरी साहब साढ़े हर प्रोग्राम से गुरु अर्जन देव जी की शहीदी गुरपुरब से इस तरह आते हैं जिमें गुरसिखा ने, और सानू उही याद ताज़ा आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज और साईं मियां मीर की जी दोस्ती सी उन्होंने पूर्णिया एक मिनट फोटो गुरु अर्जन देव जी महाराज के नाल गुरु हरगोबिंद जी तो मैं चाहना कि आप जल्दी लाहौर का विजिट प्लान करो और दरबार साहिब में हमेशा भी आओ कि साईं जी का उड़ीक करते हैं। मैंने जदों का गद्दी मिली है मैं ही मूक के ही आवाज़ दे रहा कि दरबार साहिब आओ। मैं आप खुशामदीद करना जी आया कहना ये मुहब्बत का सफर जारी रहना चाहिए। थोड़ा साडा कल्चर एक जैसा होगा, असि एक जैसे लोग हाँ, तो साढ़े आन जान से कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो साड़ी दोनों गवर्नमेंटों चाहिए कि आपस से प्यार दुरान, और मैं अपने वजीर आजम और अपने वजीर आला वालों खास तौर पर शुक्रिया अदा करना कि तुम पाकिस्तान आए और तुम इतों खैर खरीत ना जाओ। अल्लाह दिया सारे हिफाजत रखे और साड़ी ये दोस्ती का सफर ये जारी रहे। बहुत शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।